many mics. So many. कौन है ये लोग? भारत टीवी एनटीवी या रोलिंग. हाँ, सो सबसे पहले जानना चाहूँगी आज रिपब्लिक डे के मौके पर आप लोग बीच क्लीन कर रहे हैं, सो उसके बारे में बताइए. देखिए, रिपब्लिक डे किस लिए है? भारत के लिए है. और रिपब्लिक दिन जब आया है तो हमें भारत साफ़ करना चाहिए. भारत के लिए है हम यहाँ. झंडा सब लगाते हैं, सफाई और लोगों को करनी चाहिए, इसलिए हम आज आए हैं कि लोगों को पता चले कि क्या सिचुएशन है हमारी बीच की. और ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त राबिया और इनके हस्बैंड इंद्रनील. पिछले 2 साल से इधर सफाई कर रहे हैं और अटेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम सब आए हैं इनको सपोर्ट करने, इनका जो काम है कितने सालों से कर रहे हैं, इनको सेलिब्रेट करने कि ये जो कर रहे हैं काम, ये मतलब दायित लायक है. यू नो, यू हैव टू प्रेज द वर्क दे आर डूइंग एंड द एफर्ट दे आर पुटिंग इन. ओके, आपसे जानना चाहूँगी कि देश में और क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए. बहुत चेंजेस आने चाहिए. एक तो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है ठीक से. एंड आई नो BMC इस पर बहुत काम कर रही है एंड कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों की मैंटेलिटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा. तो हम यही चाहेंगे कि लोग अपना जो घर साफ रखते हैं वैसे अपना बिल्डिंग साफ रखें, नेबरहुड साफ रखें, सिटी साफ रखें एंड फिर स्टेट और देश साफ रखें. एक घर ही है हमारा. थैंक यू. आप इनसे भी एक दो सवाल कीजिए प्लीज. व्हाट डू यू वांट मी टू से? कि आज आप बीच क्लीन कर रहे हैं, 2 सालों से कर रहे हैं, सो उसके बारे में कुछ बताएं. सी एक्चुअली थिंग इज, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए माइन बीच पे, तो इतना कचरा था कि सैंड दिखाई भी नहीं देता था बीच पे. एंड दैट्स नॉट हाउ अ बीच शुड बी. बीच शुड बी यूज बाय द पब्लिक, लोगों के लिए पब्लिक स्पेस है. बॉम्बे में वैसे ही इतना कॉन्क्रीट जंगल है, हमारे पास पब्लिक स्पेसेज ही नहीं है आम लोगों के इंजॉय करने के लिए. तो हमने ये छोटी सी कोशिश करी कि हमारी पावर में क्या है एज सिटीजन्स कि हम कुछ एक्शन लें. सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज वो बहुत ईजी है. एंड जो ये कचरा है ये हमारा कचरा है, हमने ही किसी तरह से इसको क्रिएट किया है. तो हमें अपना कंजम्पशन कम करना है और हमें गवर्नमेंट का हेल्प करना है इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये कलेक्टिव एफर्ट से ही होगा. और अल्टीमेटली जैसे प्रज्ञा ने कहा, बीच किसका है, देश किसका है, हमारा है. तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसे साफ रखने के लिए तो उसमें बुराई ही क्या है. अगर हम गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अब ये पब्लिक स्पेस, अब ये बीच इतना साफ है कि लोग रोज़ आके यहाँ पे शाम को खेलते हैं. एंड दैट इज़ हाउ अ बीच शुड बी. सो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा. थैंक यू. इसका एक फोटो ले लो भाई, ले लियो. हाँ, इसके लिए आए हैं हम इधर कि इसकी जान बचे. केकड़ा केकड़ा.